जी वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं वसीम भाई? शाह जी अल्लाह का शुक्र है। वसीम भाई आप यूँ समझ लें कि हमारे लिए तो कबूतरबाजों के लिए तो आप ऐसे मौज़े हैं कि जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में ये शौक़, आपने नहीं बल्कि ज़ोए भाई ने भी, भट्ट साहब ने भी ये शौक़ को बड़ा परवान चढ़ाया और आपकी वजह से पाकिस्तान में तमाम कबूतर जो है ना लोगों में, आपने पाकिस्तान में दुनिया में आम कर दिए, बल्कि लाहौर वालों के कबूतर तो दुनिया ने, आपने दिखा दिए कि हमारे पास लाहौर वालों के पास कितने अच्छे कबूतर हैं। शायद इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि लाहौर में माशाल्लाह एक से बढ़ के एक कबूतर हैं जी, और बड़े बड़े अच्छे लोगों के कबूतर रखे हुए हैं और बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं। हम भी आप लोगों को चैनल बनाने का, मेरा ज़ोए भाई का और अली भाई का, इवन के तमाम यूट्यूबर्स का मकसद मतलब एक ही है कि दोस्तों को अच्छा शो दिखाया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो शौक वहाँ नहीं कर सकते। सही है। वो जब दिन भर के थके हारे घर आते हैं तो वो अपनी वीडियो देख के, हमारी वीडियो देख के, दूसरे चैनल की वीडियो देख के अपनी थकावट दूर कर लेते हैं और शौक को प्रवान कर लेते हैं पाकिस्तान से बाहर रहकर। जी हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छा शौक कराया जाए और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। यकीन करें शाह जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारे पास आते हैं बड़े अच्छे कमेंट, लोग बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भला भी लोग कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 जरा कमेंट थोड़े से ना हाथ थोला रखा करो, पंजाबी सारे ना कि हाथ थोला रखा करो। तो यकीन करो आज कप्तान जी ने खाना किया साडा, बड़ा मजा आया और खा खा के मैं आज बट बढ़ गया, बट है नहीं, मेरा भरपूर साथ दिता है भट्ट साहब ने। भट्ट साहब जी जी, खाने के बारे में बताएं शाह जी के बाद। सर माशाल्लाह 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 बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे और इसकी वालदा को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और वालद वैसे ठीक है लेकिन इनके लिए भी थोड़ी सी हमारी स्पेशल दुआ है कि इनकी भी सेहत तंदुरुस्ती हो। कप्तान जी ने आज हमें बहुत मज़ेदार डिशें खिलाई हैं और हमने बहुत एक्स्ट्रा खाना खाया, मैंने वसीम भाई ने तो ऐसे खाया जैसे स्विमिंग पूल में नहीं खा रहे। आपने अपना घर समझ के खाया, बिल्कुल आपने समझा नहीं कि हम मेहमान आए, बिल्कुल कप्तान भी खुश हुए। हम तो देखिए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, कप्तान जी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बल्कि भट्ट साहब आप लोग ज़ोए भाई ना, आपके जो चैनल के हवाले से जो हमें खुशी होती है ना, दुनिया जब कप्तान को फ़ोन करती है तो कप्तान बड़ा खुश होता है कि यार चलो यार हमें कुछ तो दुनिया में, आप लोगों ने दुनिया में पॉपुलर किया है कप्तान को। सारी बात ये है, देखिए हम लोग सारे भाई हैं, ये जो भाई हैं जी जी जी, ज़ेडके पिजन्स गैलरी जी जी, मेरा अली बट पिजन्स, वसीम भाई का बर्ड्स के जी जी, वसीम भाई, ये हम तीनों भाइयों ने चैनल बनाया हुआ है कप्तान जी के लिए ही, समझ लें। सब वाह जी वाह। और दूसरा हमें किसी से कोई लालच नहीं है, ना हमें कोई किसी चीज की जरूरत है, हम लोग सिर्फ बात ये करते हैं कि यार हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारे लिए सिर्फ दुआ किया करें। मैं एक छोटा सा सवाल करने वाला हूं जी जी। तो शायद आप बुरा ना मनाइएगा, लोग यूं समझते हैं या यूं कहते हैं जब ये सवाल करते हैं कि जी ये इन लोगों को कोई पैसा मिलता है, ये लोगों की गलतफहमी आप कैसे दूर करेंगे? ये लोगों की आम बातें हैं जी, मैंने खुद सुनी है कि जो उनके चैनल से उनको पैसा मिलता है। शाहजी बात ये है, देखे अल्लाह का दिया शुक्र, अल्लाह का बिल्कुल, अल्लाह बेशक शुक्र है कि अल्लाह का दिया हर चीज है हमारे पास, बिल्कुल से। हम सिर्फ लोगों से देखें, किसी से आज तक कोई साबित कर दे हमने कहा हो कि यार हमें पैसे भेजो, बिल्कुल या वहाँ से आते हुए हमारे लिए ये चीज ले आओ, सही बात। कभी हमने इस तरह की कोई डिमांड की हो किसी बंदे से तो वो सामने आए, कभी हमने की नहीं, हमने हमेशा वीडियो में हर चीज में हर बंदे से यही रिक्वेस्ट की है कि भाई सिर्फ हमें आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, या हमें सिर्फ हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को सपोर्ट किया करो, या हमारे लिए दुआ की, बिल्कुल ये गलत फहमी। इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं चाहिए, जो ये लोगों को गलत फहमी है वो ये दूर कर ले, बिल्कुल सही। मेरे बारे में तो शाहजी वैसे ये है कि यार अल्लाह पाक ने सबको बहुत दिया हुआ, मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी है, बाइक भी है, कबूतर भी अच्छे खरीद के रखे हुए हैं, शुक्र अल्लाह का, बेचते भी है, खरीदते भी है, लेकिन ये दोस्तों की मोहब्बत है कि आपको कमेंट्स करते हैं, आप बिल्कुल दोस्तों की मोहब्बत है, बड़े अच्छे दोस्त हैं यार जो कमेंट्स करते हैं, कुछ बुरे भी हैं जो बीच में कमेंट्स करते हैं लेकिन उनको हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, हम उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं करते। ये तो वैसे दुनिया की रीत है, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी की जुबान नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते, सही है।
कोई बच्चा जुबान ही ना पकड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग तो सिर्फ ये करते हैं कि यार लोग जो बाहर के मुल्कों में वो लोग क्या करते हैं कि रात को जब काम से घर आते हैं ना, मैं खुद शादी रह के आया 2-3 साल बाहर ना सऊदीया, सही है सही। तो मुझे पता है कि वहाँ पे ना कोई आपका अपना ना कोई बीमार भी हो तो आपने खुद ही उठ के सब कुछ करना है, कपड़े भी खुद धोने हैं। बिल्कुल सही है। और ये है कि जब रात को काम से आप घर वापिस आते हो ना तो आपको सुकून के लिए ये वीडियोज चाहिए होती है। अब आप ये ऐसी वीडियोज देखते हो आपको उधर बैठे ऐसा लगता है कि आप अपना शौक कर रहे हैं। सही। इस वजह से हम दोस्तों के लिए ही ये सारा कुछ करते हैं, शौक को प्रमोट करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं हमें उनकी कोई टेंशन नहीं है, वो जितना दिल करे कर ले, अल्लाह पाक उनको राय रास्ते पर लेके आए। और कप्तान साहब बड़े, मैं तो कहता हूँ बड़ी इनकी खुशकिस्मती है कि 3 ऐसे दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं कि जो कि पूरी दुनिया में जिनका चैनल चलता है, और आज तीनों के तीनों दोस्त इस बैठक में तशरीफ रखते हैं। बिल्कुल। और हमें बड़ी खुशी है, कप्तान जी को इसका सारा वो अवार्ड जाता है कि ये कप्तान जी ने सबको इकट्ठा किया है, दावत की है, इतने अच्छे अच्छे मजेदार खाने खिलाए हैं, ये पीछे को फ्रूट रैफल खिलाया है, बोतलें भी पिलाई हैं। माशाल्लाह कप्तान जी के रिस्क में अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकत डाले। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आप खाना खाते हुए एक आपने कोई कोक के मुतल्लिक कोई बात की थी, जी वो मुझे फिर बड़ी हंसी आई थी उस वक्त, आपने जोहेब भाई से कुछ कहा था। जी मैंने ये कहा था कि ये देखे जी ये वसीम भाई दादा ये बड़ी खराब चीज है, डाल के गिलास में दोस्तों, ये बड़ी गोरों के खिलाफ मुहिम है हमारी, ये पी पी के हमने खत्म कर दी। जोहेब भाई ने एक गिलास पिया, मैंने 2 पी लिए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आपकी है, तो वो कहते नहीं मैंने कहा आप क्या समझते हैं अकेले मर जाए, मुझे बड़ी हंसी आई उस वक्त। ये शादी बस ये कुछ शुगर मेले की बातें हैं, लोग ये पसंद करते हैं इस वजह से हम लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये वैसे ना शादी बड़ी ना गलत चीज है, ये देखे ना, ये देखे मुझे भर के देती है और खुद अलग इलाज लेते हैं, वो कहते हैं मतलब मैं जल्दी मर जाऊँ। आज आपने 2 बोतलें खत्म कर दी और जोहेब भाई को भी पिला दी और वसीम भाई को भी आपने पिला दी, वो फ्राइड है कोई बात नहीं, वो भी एक ही चीज है। हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ। लो जी कप्तान साहब, कप्तान जी माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया कप्तान जी आपका, पहले तो आपने सब भाइयों को अपने घर मधु किया जी। कप्तान जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खलूस से बड़े चाह से हमारा वेलकम किया और हमें बड़े अच्छे अच्छे लजीज खाने खिलाए और फ्रूट ट्राइफल ट्रैफल तो माशाल्लाह कमाल ही था, यकीन करें मज़ा आ गया है। और आपका सर एक बार मेरी तरफ से, जोहेब भट्ट साहब की तरफ से और भट्ट साहब की तरफ से भी, जोहेब भाई की तरफ से, खान साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया जी। और कुछ व्यू कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज़। नहीं शुक्रिया की तो ये बात, शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए कि आप लोग इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। वसीम भाई तो चलो मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, हमारे गोगी शाह भी हमारे भाई हैं यहीं रहते हैं, अभी खान साहब आए हैं इकबाल टाउन से आए हैं जी जी, बट पिजन वाले हमारे अली बट जो हैं जी जी, ये इकबाल टाउन से आए हैं, अपना इनका माशाल्लाह सोने का काम है, और ये जो अपना जोहेब भाई हैं ये भी अपना कारोबार छोड़ कर आए हैं। तो यार ये शुक्रिया मुझे आपका नहीं, आपसे आपका शुक्रिया, यानी कि मैं करूँ आपसे गालबन, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग आए, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अल्लाह आपको सब जो आए हैं ऐसी हमारी महफिलें जमी रहें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत जमील दे, तमाम हमारे दोस्तों को देखने वालों को बहुत बहुत आज मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर कि यार ये कैसे इंजॉयमेंट करते हैं, कबूतरों के अलावा भी इनका कोई एक ताल्लुकात है, 3-3 अपना पिजन क्लब्स वाले आए हुए हैं, 3 यूट्यूबर इकट्ठे बैठे हुए हैं जो बड़ा कम देखने में आता है, तो ये देखे ना ये हमारे लिए एजाज है जी। कप्तान जी कोई शक वाले अली भट्ट पिजन के लिए, जेड के पिजन के पिजन के लिए, गैलरी के लिए, ये हमारे लिए एक एजाज है। बेशक बेशक बेशक, कोई अगर हम लोगों से गुस्ताखी हो जाए करे अपना समझ के माफ कर दिया करो। और कई लोगों से यही मैं कहूँगा कि यार वसीम भाई के बारे में कोई ऐसा कमेंट ना लिखा करे यार, मेरे बारे में जो मर्जी कह दिया करे कि ये चिड़ी मार है या ये है वो है, यार मैं चिड़ी मार गया हूँ, मैं मेरी एक बीवी है एक बच्ची है वो बीमार है, तो मैं अगर ये कबूतर पकड़ कर बेचता हूँ किसी के आगे मैं हाथ तो नहीं फैलाता हूँ। है वो जो ऐसे कमेंट्स भेजते हैं ना, वो अपने इस गिरेबान में भी झाँक कर देख लिया करें हम क्या हैं। बड़े बड़े उस्तादों के पास में बैठा हूँ, 64 साल ही, 63 से 64 में आ गया हूँ, मैंने कई ऐसे उस्ताद देखे हैं, या कोई मुझे एक बता दे कि जिसके कबूतर कोई बैठा हो अड्डे पर या किसी के और वो झंडी मार के उसके उड़ा दे, तो मैं सही अपना जाल ही उतार दूंगा। ये सब उल्टी सीधी बातें बनाई हुई है यार।
वसीम भाई ये मैं गलत कह रहा हूँ या सही कप्तान जी 100% सही कह रहे हैं आप। आप बताएं कि किसी के छत पर कबूतर बैठ जाएगा उड़ा देगा या पकड़ लेगा कप्तान जी? कैसी मेरी हक हलाल की कमाई है, नए कपड़े पहन के जाऊंगा ना तो चंद मिनट के बाद बगलों में से बदबू आ रही होगी, यानी कि हम इतना ये लोगों के लिए करते हैं और ये हमारे लिए ऐसे कमेंट देते हैं। कप्तान जी इग्नोर करें सब को आसान, कप्तान जी नो डाउट सही कह रहे हैं आप, यही कहेंगे अल्लाह इनको हिदायत दे, कप्तान जी इग्नोर करें बस छोड़ें लोगों का। मैं बोला चलो हमारे बीवी बच्चों का खर्चा चलता है, इनके लिए कप्तान जी वो पुरानी मिसाल बनी हुई होगी जलने वाले का मुंह काला सीधी बात, हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, अपना दाना डालते हैं। 400-500 कबूतर रखा हुआ है, कोई दिखाए कोई इतना 400-500 रुपए कबूतर रखकर कोई पकड़ने वाला, अच्छे से अच्छे जोड़े हैं हमारे घर में है, पकड़ के कबूतर ऐसे ऐसे बेचते हैं यार, आप लोगों को पता ही है। आज वसीम भाई आपके सामने ऐसा ही कप्तान जी से मिलने आए हुए थे लोग, ऐसा ही है उनको वसीम भाई ने उनसे इंटरव्यू लिया, पश्तों में इंटरव्यू लिया यार, ऐसा ही यार उनके सामने हमने कबूतर चार पकड़े यार, मेरा मतलब यार मेहनत करते हैं यार कप्तान जी, ऐसा ही कप्तान जी ये लोगों का काम है। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमारा बड़ स्केल चैनल है अली पिजन क्लब हमारी जो है अली भट्ट पिजन क्लब और जोहेब के जेड के पिजन गैलरी ये इनको ना सब्सक्राइब करा करो यार अच्छे तरीके से, इनको आपस में यार ये आप लोग वोट डाल देते हैं, एक रुपया भी नहीं आपका लगता यार, कमेंट्स आप अच्छे से अच्छे भेजा करें और हमें ना आप बताया करें कि यार यहाँ से आप गलत हैं, फिर आप ना हम रुख इंशाल्लाह सीधा करने की कोशिश करेंगे, हमें आप अपनी राय दें यार, हमें तो खुशी होगी यार। वसीम भाई इतने दोस्त हैं बाहर के लोग, खुदा की कसम इतनी इज्जत करते हैं वो लोग, इतनी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे, वो हमारी दुआ करते हैं हमारे लिए, हम उनके लिए दुआ करते हैं यार, दुआ करना चाहिए। बिल्कुल सही और कोई मेरे लायक वसीम भाई कप्तान जी बहुत शुक्रिया, यकीन करें बड़ा मजा आया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जाते जाते एक बार कप्तान जी के लिए स्पेशल तालियां चले जी, तालियां तो आप बजाएं मैं ले जी, देखिए सब भाई तालियां बजा रहे हैं, खान साहब भट्ट साहब जोहेब भाई शाह जी और कप्तान जी खुद भी तालियां बजा रहे हैं और मैं भी बजा रहा हूँ जी, चले कप्तान जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।